والمتكبرين الغافلين وأصحاب الأكرمين أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
उतना ही तुम सलामत रहोगे। क्योंकि सलाम का मामला ही ऐसा है, दुरूद का मामला क्या है, दुरूद पढ़ेंगे तो एक बार दुरूद पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती, इतना सवाब मिलता है। एक बार दुरूद पढ़ो तो सवाब इतना मिल रहा है कि 10 नेकियां और 10 गुनाह माफ हो रहे, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं दुरूद पढ़ने से। और ये दुरूद एक ऐसा काम है जो बंदों को अल्लाह हुक्म देने से पहले फरमाता है कि ये हुक्म मैं तुमको बाद में दे रहा हूं, पहले मैं खुद इस पर अमल कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये काम मैं खुद कर रहा हूं पहले, उसके बाद तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। मेरे फरिश्ते भी करते हैं, मैं खुद करता हूं, मेरे फरिश्ते खुद करते हैं और तुम्हें भी हुक्म दिया जा रहा है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई जो अल्लाह अपने काम में हमको शरीक कर दिया। देखो मैं भी दरूद भेज रहा हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेज रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है कि तुम भी आ जाओ, ईमान वालों कहकर अहले ईमान को बुला लिया और अपने काम में शरीक कर लिया। एक बार दरूद पढ़े तो 10 नेकियां, 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद, इतना सवाब इतना सवाब इतना सवाब है। और सलाम अगर भेजोगे तो फरमाया गया कि दरूद भेजोगे तो सवाब मिलता है, सलाम भेजोगे तो जवाब मिलता है। तो जवाब जो मिलेगा तो जवाब के माने क्या है, सलाम का जब जवाब दिया जाता है तो जवाब ये होता है कि आए मेरे उम्मती तू सलामत रह। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी उम्मती को जवाब दे रहे हैं कि आए मेरे उम्मती तू सलामत रह, तब जिसके लिए सलामती की दुआ सरकार मदीना ने करती हो तो वो बर्बाद नहीं हो सकता, वो क़यामत तक के लिए सलामती वाला हो गया। ये सलाम का मामला है, दुरूद का मामला, सलाम का मामला। तो सलात के एक माने दुरूद के, एक नमाज के अभी भी सलाम, नमाज कायम करो, हमारा मौजू हमारा उनवान नमाज है, नमाज कायम करो। एक होता है पढ़ना, हम बोलते हैं नमाज पढ़ो, एक होता है कायम करना। नमाज जब पढ़ी जाती है तो वक्ती तौर पर पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ना और है नमाज कायम करना, पढ़ना और कायम करना। और पढ़ना बोलते हैं वक्ती तौर पर पढ़ना, जैसे नमाज के लिए जुमा की नमाज के लिए आए तो नमाज पढ़ने के लिए आए। हमारे आने का एक वक्त है, फिर हमारे यहां से निकल के जाने का एक वक्त है, नमाज में दाखिल होने का एक वक्त है, नमाज से खारिज होने का एक वक्त है। दाखिल कब होते हैं, अल्लाहु अकबर, तकबीरे तहरीमा बांधी, नमाज में दाखिल हो गए। खारिज, अस्सलाम वालेकुम मतलब यह है जब जुमा की नमाज पढ़िए तो असल की नमाज की तैयारी में रहना, असल पढ़ लिए मगरिब की तैयारी में रहना, मगरिब पढ़ लिए इशा की तैयारी में रहना, इशा पढ़ लिए फजर की तैयारी में रहना, फजर पढ़ लिए फिर कल जोहर की तैयारी में रहना। तो एक नमाज होती है दूसरे नमाज की तैयारी में रहना कि कब वक्त आए और फिर मैं कब पढ़ूं, तो पाबंदी से नमाज खत्म।
अदा करने को नमाज कायम करना कहते हैं। पढ़ना, दाखिला और खुरूज, ये पढ़ना हुआ, नमाज के अंदर आए फिर नमाज से बाहर हो गए, ये पढ़ना हुआ। पाबंदी से पढ़ने के बाद जोहर का इरादा और तैयारी, जोहर के बाद असर की तैयारी और इरादा के कब वक्त आए और कब पढ़ूं, फरमाया गया अब जुमा की नमाज पढ़ने के बाद असर की नमाज के इंतजार में रहने को अल्लाह इतना पसंद करता है, उस इंतजार को इबादत बना देता है। बंदे इंतजार कर रहा है, लेकिन इंतजार को रायगा नहीं करते, इंतजार को भी इबादत बना देते हैं। इबादत में है, असर के बाद मगरिब के इंतजार में है, वो इंतजार इबादत। मगरिब के बाद ईशा के इंतजार में है, वो इंतजार इबादत। ईशा के बाद फजर के इंतजार में है, वो इंतजार इबादत हो जाता है। तो ये है नमाज कायम करना, मतलब उसको जारी रखना, उसको बोलते हैं कायम करना। आपको मैं थोड़ा सा ले जाता हूं करबला की तरफ, ताकि आपको समझ में आ जाए अदा करना क्या है और कायम करना क्या है। अदा करना क्या है और कायम करना क्या है, आप करबला चले तो आपको अंदाजा हो जाए। थोड़ा सा गौर कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले अपने मुकाम से, मक्के मदीने से निकले तो करबला की तरफ, तो वो वक्त क्या था, वो मौसम कौन सा था, वो मौका कैसा था, तो आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि वो ज़िलहज्जा का महीना, हज का महीना। और हज के महीने में होता क्या है, दुनिया के कोने कोने से लोग काबतुल्लाह के पास आ जाते हैं, और ज़िलहज्जा के महीने में सब काबे में रहते हैं, सैने काबा में, मक्के में रहते हैं, मदीने में रहते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग खींचे खींचे चले आते हैं काबे की तरफ। क्यों आते हैं, हज करने के लिए। जी हज्जा का महीना है, वक्त से पहले निकल जाते हैं और हज के महीने में काबे को आते हैं, काबे को। क्यों, हज करने, तवाफ करने, सही करने, ये करने के लिए बात है। और इसी मौके पर, इसी मौसम में, हज के महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वहां रहने वाले हैं, मक्के के रहने वाले, मदीने के रहने वाले, हिजाज़ मुकद्दस के रहने वाले, वो मुकाम छोड़कर करबला को जाते हैं, जहां पूरी दुनिया आ रही है। तवज्जो चाहता हूं, जहां पूरी दुनिया आ रही है वहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं, उस जगह को छोड़कर निकल रहे हैं करबला जा रहे। क्यों जा रहे, सबको मालूम है, मैं तफसील में जाना नहीं चाह रहा, बस इतना अपने जहन में ला लीजिए कि हज का महीना और दुनिया से सारे मुसलमान काबे को आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ताकि हज करें, उमरा करें, सही करें, तवाफ करें, इसलिए आ रहे हैं। और उसी मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबा छोड़कर करबला जा रहे हैं। क्यों, ये लोगों का आना क्यों है, इमाम हुसैन का जाना क्यों है, ये तो सोचना, ये तो गौर करना।
रहा है तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कर्बला जाना समझ में आ जाएगा। आखिर गए तो क्यों गए? अभी मैंने अर्ज किया ना कि नमाज अदा करना और है, नमाज कायम करना और है। कायम करना मतलब क़यामत तक ये कायम रहे, आखिरी दम तक नमाज छूटे ना, अदा होती रहे, पाबंदी से जारी और सारी रहे, इसको बोलते हैं कायम करना। पढ़ना और है, अदा करना और है, कायम करना और है। अब यहीं से चलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान काबे की तरफ आ रहे हैं, इमाम हुसैन काबे से कर्बला को जा रहे हैं। वजह क्या है इनके आने की? वजह क्या है इनके जाने की? वजह क्या है? जवाब यही है कि सारे मुसलमान हज और उमरा अदा करने आ रहे हैं, इमाम हुसैन हज और उमरे को कायम करने जा रहे हैं। उनका आना अदा करने के लिए, इनका जाना कायम करने के लिए। अगर ये न जाते तो कायम ना होता, ये न जाते तो कायम ना होता, सारी चीजें खत्म हो जाती, रौनक खत्म हो जाती। तो नमाज अदा करना क्या है? तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक के जो अस्कार हैं, आमाल हैं, क़याम है, फायदा है, रुकू है, सजदा है, ये सब अदाई है। और पाबंदी से अदा करते रहना कायम करना है। तो अल्लाह ये नहीं बोल रहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह फरमा रहा है कि कायम करो। एक नमाज पढ़ दिया, दूसरी छोड़ दिया, तीसरी छोड़ दिया, ऐसा नहीं, कायम करो। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में, दूसरी नमाज के बाद तीसरी नमाज के इंतजार में, पाबंदी चाहिए, पाबंदी। और एक जाहिर होता है भाई नमाज का, एक बातिन होता है। एक नमाज का जाहिर, हम खड़े हैं ये जाहिर, हम रुकू में जा रहे हैं ये नमाज का जाहिर, हम खौफ में जा रहे हैं, हम सजदे में जा रहे हैं, हम सायदे में बैठे हुए हैं, ये सब नमाज का जाहिर है। जाहिर इसका एक बातिन भी है, हर चीज का एक जाहिर है बातिन। नमाज का ये जाहिर है, क़याम वक़ूद रुकू और सजूद क्या है? जाहिर है। अब इसका बातिन क्या है? नमाज का बातिन, नमाज का बातिन है रब के बारगाह में हुज़ूरी, हुज़ूरी यानी अल्लाह के सामने हाजिरी का एहसास, ये बातिन है नमाज का। आप नमाज की हालत में कोई गैर गलत काम करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक कोई गैर गलत काम आप नहीं करते। अगर आपके जहन में कोई वसवसा भी आ रहा है ना, तो काम तो दूर की बात है, अगर कोई गलत ख्याल भी आ रहा है तो गलत ख्याल को भी आप हटा देते हैं। नहीं, गलत ख्याल भी नहीं आना नमाज। यहां पर रुकिए, एक बात अर्ज करो, नमाज में वसवसा अगर गलत ख्याल आता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कितना भी गलत ख्याल आए नमाज में फर्क नहीं आता, नमाज हो जाती है। कितना भी गंदा ख्याल आए नमाज हो जाती है, नमाज खराब नहीं होती, होती है नमाज। क्यों? इस वास्ते कि ख्याल आना हमारे इख्तियार नहीं है। आया वसवसा हमारे इख्तियार में है क्या? कोई बुरा ख्याल आना हमारे इख्तियार में तो नहीं है। आ गया, अब उस ख्याल की तरफ तवज्जो देना न
नमाज को खराब करता है। तवज्जो ना दे, इतना ही गलत ख्याल आए तवज्जो ना दे, उसके आने से नमाज में कोई खराबी नहीं होगी। हदीस शरीफ में आया है कि सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज में गलत गलत ख्याल आते हैं, क्या करें? सरकार ने फरमाया ऐसा होता है तुमको? अर्ज किया हाँ हाँ ऐसा होता है। आका ने फरमाया ये तुम्हारे ईमान की अलामत है, तुम्हारे ईमान की अलामत है। क्यों? बस वसे शैतान उसी के दिल में डालता है जो मोमिन होता है। मोमिन जब नमाज के लिए ठहरता है तो शैतान को मालूम है ये नमाज पढ़ेगा तो नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि ईमान वाला है। अब इसकी नमाज में वसवसे डाल के इसको परेशान करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वसवसे आना ईमान की अलामत है। हालत नमाज में कोई गैर गलत काम हम नहीं करते, गैर गलत बात नहीं करते, गैर गलत चीज की तरफ देखते नहीं, गैर गलत ख्याल भी आता है तो तवज्जो नहीं करते। वजह क्या? वजह यह है कि हम रब की हुजूरी में हैं, हुजूरी का एहसास है। अब तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे, क्या अब रब की हुजूरी में नहीं है? क्या अब रब तबारक व तआला हाजिर और नाजिर नहीं है? बिल्कुल है, अभी भी हाजिर और नाजिर है ना, नमाज की हालत में भी हाजिर और नाजिर है। नमाज से बाहर आते ही गैर गलत काम होते हैं, बातें भी होती हैं, हरकतें भी होती हैं। क्या मतलब? मतलब यही है नमाज में भी अल्लाह हाजिर और नाजिर है, नमाज के बाहर भी हाजिर और नाजिर है। फर्क ये है कि हालत नमाज में हमको उसका एहसास रहता है, सलाम फिरने के बाद हम वो सबक भूल जाते हैं। तो नमाज का बातिन क्या है? नमाज का बातिन ये है कि जो एहसास नमाज की हालत में है वही नमाज का बातिन है। और नमाज का मकसद ये है कि ऐ नमाजी, तू नमाज कायम करने वाला उस वक्त बनेगा जब तेरा एहसास जो नमाज के अंदर है वो एहसास नमाज के बाहर भी जारी रहे। सलाम फिरने के बाद भी वो एहसास लगा रहे कि मैं रब की हुजूरी में हूं, मैं रब की हुजूरी में हूं, तो फिर कोई गैर गलत काम नहीं हो सकता। यही वजह है कि कुरान पाक कहता है इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से बचाती है, हर बेहयाई से बचाती है। इसको उस बंदे को जो नमाज जैसी कैफियत में नमाज के बाद भी रहता है, नमाज के बाद भी नमाज जैसी कैफियत में रहता है, और इसी का नाम है नमाज कायम करना। नमाज में जो कैफियत बनी रही उस कैफियत पे कायम रहने का नाम नमाज कायम करना। नमाज कायम करो मतलब बातिन नमाज, नमाज का बातिन है उसको कायम करो, वो हरेक में एक सानी रहता, अंदर की जो हालत है वो हरेक के पास एक साम नहीं रहती, किसी के पास वो एहसास कम रहता है, किसी के पास वो एहसास कुछ बढ़ के रहता है, किसी के पास और बढ़ के रहता है, किसी के पास बहुत बढ़ के रहता है। हुजूरी का एहसास कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, अल्लाह हाजिर नाजिर है, ये एहसास किसी में कम,
तो कम वाले से फरमाया गया, ऐ कम एहसास रखने वाले, तुझे महरूम नहीं करते, एक नमाज पढ़ 10 नमाज का सवाब ले। एहसास है तेरे पास मगर कम है, 10 नमाज का ले ले। तू इतना तो सोच रहा है ना कि मैं अल्लाह के सामने ठहरा हूं, बस इतनी सोच पर तुझे 10 नमाजों का सवाब मिल रहा है, एक पढ़ ले। एक बंदा नमाजी रहता है, उसका एहसास कुछ बड़ा हुआ रहता है, उसके एहसास का परसेंटेज बड़ा हुआ, अल्लाह को मालूम है कि इसके दिल में कितना एहसास है, मेरी बारगाह में हुजूरी का एहसास किसको कितना है, देखता है परवरदिगार के फुला बंदे में मेरे बारगाह में हुजूरी का एहसास बड़ा हुआ है। फरमाता है बंदे तेरे पास मेरी हुजूरी का एहसास बड़ा हुआ है, तो एक नमाज पर 100 नमाज का सवाब है। और किसी के पास एहसास की परसेंटेज बड़ी रहती है, फरमाता है एक नमाज पर 700 नमाज का सवाब है। अब एक बंदा ऐसा रहता है कि उसका बहुत ज्यादा एहसास उसके पास बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा नमाज के बाद भी उसी एहसास में रहता है। तो फिर उसे खुशखबरी सुना दी गई कि तेरा एहसास एक वक्त के लिए मुकर्रर नहीं है, तेरा एहसास हुजूरी का एक वक्त के लिए मुकर्रर नहीं है। तो फिर हमारी अता पे भी खुश हो जा, हम भी सवाब का दर्जा तेरे लिए मुकर्रर नहीं करेंगे। तेरा एहसास लामहदूद है तो हमारी अता भी लामहदूद, हमारी अता भी लामहदूद है। और सबसे ज्यादा हुजूरी का एहसास अगर किसी जात में है तो वो जाते गिरामी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा अल्लाह के बारगाह में हुजूरी का एहसास हमारे सरकार को हर पल रहता। यही वजह है कि सरकार ने नमाज पढ़ने के बारे में जब सिखाया इरशाद फरमाया सल्लू नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जैसा नमाज पढ़ते हुए तुम मुझे देखते हो। नमाज पढ़ो, सरकार ये भी फरमा सकते थे जैसी नमाज मैं पढ़ता हूं वैसी ही तुम पढ़ो, जुमले का फर्क मुलाहजा फरमाइए, जुमले का फर्क, जुमला एक ही होता है मगर एक जुमला दूसरे जुमले से मुख्तलिफ रहता है। उठो मत बैठो जुमला, लेकिन अगर इस जुमले में पहला लफ्ज बोलकर रुके फिर बात का हिस्सा बोले तो मतलब और पहले के दो हिस्से बोलकर आखिर का हिस्सा छोड़ दें फिर बोले तो मतलब और। उठो मत बैठो तीन लफ्ज हैं, एक उठो है, एक मत है, एक बैठो है। अगर उठो बोलने के बाद रुक गया बोलने वाला और मत बैठो बोला तो उठने का हुक्म है, उठो मत बैठो। और अगर दो लफ्ज बोलने के बाद रुका उठो मत बैठो, बात एकदम उल्टी हो गई, हुक्म बैठने का हो रहा। यहां पर भी सरकार ने सलातो सलाम के जुमले पर गौर करें, नमाज पढ़ो कैसी जैसा तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, जैसे तुम्हें दिख
दिखाई देता है पैसा पर। अगर सरकार ये फरमा दे मैं जैसा करता हूं वैसा पढ़ो, तो सरकार के सिवा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ इसी नमाज पढ़ने वाला, कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता। सरकार फरमाते हैं जैसे मेरे जाहिर को देखते हो वैसे तुम भी करो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसे तुम कह रहे हो, मैं जैसे झुक रहा हूं वैसे झुको, मैं जैसे सजदा कर रहा हूं तुम भी वैसे ही सजदा करो, मैं जैसे फायदे में बैठ रहा हूं वैसा फायदे में बैठो, मेरी जाहिरी हरकतों को देखो और ऐसी नमाज पढ़ो, अपने जाहिर को मेरे सांचे में डाल लो। सिर्फ जाहिर की बात हो रही है, अगर फरमाते सरकार मैं जैसा पढ़ रहा हूं वैसा पढ़ना, तो मेरा जाहिर जैसे वैसा तुम्हारा जाहिर होना, मेरा बातिन जैसा है तुम्हारा बातिन भी वैसे ही होना, तो सरकार के जैसा बातिन न किसी का हुआ है ना होगा, कोई पढ़ ही नहीं सकता था वैसा। सरकार ने पूरी उम्मत पे करम कर दिया और फरमाया जैसे तुम्हें नजर आता है वैसे पढ़ो, ये हम पर मेहरबानी होगी। महबूब पाक की अदाओं का नाम नमाज है। हबीब पाक की अदाओं से हटे नमाज नहीं। अगर अदाओं से हट गए नमाज नहीं, जो नमाज का तरीका है सरकार ने जो बताया उससे थोड़ा हटकर पढ़ो, रात भर नमाज पढ़ो, रात भर पढ़ो सरकार के तरीके से हटकर, सुबह सुबह दुआ करो अल्लाह मेरी रात भर की इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह फरमाएगा कौन सी इबादत जो मैंने रात भर की, ले तेरे मुंह पर मार दी जाती है ना क्यों, तो जवाब आएगा मेरी इबादत वही कबूल होती है जो मेरे महबूब के तरीके पर होती। तू अगर अपनी मनमानी और अपनी मर्जी के तरीके पर पड़ेगा तेरा एक सज्दा भी कबूल नहीं होगा। तो मालूम हुआ हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम नमाज कायम करने वाले हैं, और सरकार की जात गिरामी नमाज की कबूलियत का जरिया होने वाला। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको नमाज सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि कायम करने वाला बने। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्होंने अच्छी से इल्म मुहम्मद वाला अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह।